हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 17 अक्टूबर 2017 बॉट बाय मी केतन गर्ग। ठीक है, हमेशा की तरह कहूँगा कि नोट्स बनाने की चिंता मत करना, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स से ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, उससे रेगुलरली जो है आपको क्वेश्चन अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी तक मैं 9 वीडियोस डाल चुका हूँ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, ठीक है, तो वो वीडियोस आपको अपनी स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हो उन्हें। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, GS3 पहले देख लेते हैं। एक्सरसाइज इंदिरा 2017 इंडो रशिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है, इंदिरा। तो ये अभी तक डिफेंस कॉपरेशन को इसको बूस्ट करने की बात की जा रही है, इस बार इसको फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज बनाए जाने की बात कर रही है। अभी तक क्या होता था, जो एक्सरसाइज इंदिरा होती थी वो सिर्फ आपकी मिलिट्री के बीच में होती थी, इंडिया और रशिया की मिलिट्री के बीच में होती थी, लेकिन इस बार जो 2017 में ये जो एक्सरसाइज होगी, ये तीनों सर्विसेज आपकी मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज जो है दोनों कंट्रीज़ की, वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है जो इस बार ये एक्सरसाइज हो रही है, ये इस एक्सरसाइज में स्पेशलिटी है। एक्सरसाइज इंदिरा इन इट्स प्रीवियस 9 अवतार्स, ठीक है ना, 9 टाइम्स ये हो चुकी है, ये 10th टाइम है, हैज़ बीन कंडक्टेड एज अ सिंगल सर्विस एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस ईयर 2017 मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन एज दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन अपग्रेडेड टू इन्वॉल्व ऑल द 3 सर्विसेज ऑफ द आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यही इसकी जो है इंपॉर्टेंस है। ये एक्सरसाइज होगी कहाँ पे? एक्सरसाइज इंदिरा 2017 विल बी कंडक्टेड एट द 249th कंबाइंड आर्मी रेंज सिग्रोविस्की इन द सी ऑफ जापान नियर व्लादिवोस्टोक। ठीक है, ये आपका रशिया में है, तो रशिया में एक्सरसाइज हो रही है, इतना भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि कौन सी कंट्री में हुई थी। और फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये याद रख लेना, और 10th एक्सरसाइज है, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक्ट 2017 मेकिंग FDDI एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, तो फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर कर दिया गया है एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके लिए FDDI बिल, जो फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट बिल जो था, वो पास हुआ था पार्लियामेंट में जुलाई 2017 में। ठीक है, तो एक्ट बनकर जो ये गैजेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाती है, तब वो एक्ट बन जाता है और उसके प्रोविजंस जो हैं वो फोर्स में आ जाते हैं। तो अक्टूबर 5, 2017 को ये गैजेट में आ गया था नोटिफिकेशन, और तब से जो है ये ऑफिशियल हो गया है। FDDI आफ्टर बिकमिंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट नाउ हैज़ द ऑटोनॉमी टू डिज़ाइन इट्स कोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, मेनली मेरा यहाँ पे आपको रीज़न ये न्यूज़ कवर करने का ये है कि अगर आपको पता रहना चाहिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं, IITs आपके इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं, रिसेंटली अभी IIMs को भी लेके आने की बात की गई थी। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? एक तो जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनके पास ऑटोनॉमी होती है कि अपने कोर्सेज जो हैं वो खुद डिज़ाइन कर सकें अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपने कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, एंड अवॉर्ड इट्स ओन डिग्री टू द स्टूडेंट्स, अपनी खुद की एक डिग्री दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। कैन नाउ इंडिपेंडेंटली डेवलप एंड कंडक्ट कोर्सेज लीडिंग टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। ठीक है, इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हैं, खुद से डेवलप कर सकते हैं कोर्सेज और को और खुद से कंडक्ट कर सकते हैं, कोई आउटसाइड बॉडी की परमिशन या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएट कोर्सेज हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो, डॉक्टोरल हो, पोस्ट डॉक्टोरल हो, रिसर्च एरिया में कोई कोर्स हो, वो सारा जो है ये कर सकते हैं FDDI अब बिना किसी परमिशन के। तो ये आपसे प्री में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अगर किसी इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर किया जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है। वो ऑटोनॉमी मिल जाती है अपने कोर्सेज डिज़ाइन करने में, डिग्री अवार्ड कर सकते हैं अपनी खुद की। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, FDDI की क्या इंपॉर्टेंस है? FDDI हैज़ बीन फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द अनटैप्ड टैलेंट एंड इंडस्ट्री एंड इट्स ग्लोबल काउंटर पार्ट्स बाय फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड मैन पावर विद इट्स स्पेसिफिक करिकुलम। ठीक है, स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो हेल्प करता है टू डेवलप स्किल्स। ठीक है, इस इंडस्ट्री में विद इट्स स्पेसिफिक करिकुलम, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी जो ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद स्टेल्थ शिप इंडिया इन एलाइट ग्रुप। ठीक है, तो
डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेज नेशन इज मार्चिंग टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन। तो क्या हुआ, क्या क्या अपने पास ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि कमीशनिंग हो गई है थर्ड कमारोता क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टिल्थ कॉर्वेट की। ठीक है, तो आपका ये जो है इसमें थर्ड टाइप की शिप जो लॉन्च हुई है वो है आपकी INS किल्तान। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका कामोरता जो क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो स्टिल्थ कॉर्वेट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको प्रोजेक्ट 28 भी बोला जाता है, उसकी ये थर्ड शिप है। चार इसमें टोटल शिप्स बनाई जाएंगी, उसमें से थर्ड जो है ये है, और इससे पहले दो हो चुके हैं। खासियत क्या है इसकी? 81% इज बिल्ट इंडिजिनसली एंड इज द फर्स्ट बिल्ट बाय इंडिया दैट हैज़ अ सुपर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल। कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट मटेरियल जो होता है वो आपको हेल्प करता है डिफरेंट वॉरफेयर कंडीशंस में वॉर लड़ने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर कंडीशंस हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर कंडीशंस हो, चाहे वो केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस हो। तो ये कार्बन फाइबर जो कॉम्पोजिट मटेरियल है ये आपकी शिप को स्ट्रेंथन करता है इन सब कंडीशंस में लड़ाई लड़ने के लिए। दिस मेक्स इट अ स्टेल्थ कॉर्वेट एंड मेक्स इंडिया वन अमंग द फ्यू नेशंस दैट हैव दिस टेक्नोलॉजी और दिस क्लास ऑफ शिप्स। ठीक है, स्टेल्थ कॉर्वेट शिप बनाई है हमने ये। ठीक है, तो हम ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमने कामोरता क्लास कॉर्वेट्स और प्रोजेक्ट 28 के बारे में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं, ठीक है, करेंटली इन सर्विस विद द इंडियन नेवी। इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ठीक है, दे आर फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स टू बी बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, पहली बार इंडिया में कोई हम ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इसको 2003 में अप्रूव किया गया था प्रोजेक्ट 28 को विद कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीड शिप INS कामोरता। ठीक है, जिसको 2005 में कमेंस कर लिया गया था। तीन इसमें से अभी तक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चार टोटल इसमें बनाने हैं हमें एंटी सबमरीन, ये उसमें से अभी तक तीन हम बना चुके हैं। कौन सी कौन सी? INS कामोरता, INS कादमात एंड INS किल्तान, जो भी कल कमीशन हो गई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली INS कवरती जो चौथा इसका जो फाइनल एंड चौथा जो शिप है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी 2017 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। द प्लेटफॉर्म एंड मेजर इंटरनल सिस्टम्स ऑफ दिस क्लास ऑफ कवरेज आर इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड। ठीक है, सारी शिप्स का हमने इंडिजिनियसली डिजाइन किया और इंडिजिनियसली बिल्ड किया है। आर नेम, और जो ये सारी शिप्स हैं दे आर नेम्ड आफ्टर द आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर्किपेलेगो। लक्षद्वीप आर्किपेलेगो के नाम से, जो लक्षद्वीप आर्किपेलेगो है उसमें जो आइलैंड्स के नाम है उनके नाम से इन शिप्स का जो नाम है रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वुमेन साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स गेम चेंजर्स ड्राइविंग साइंस फॉर न्यू इंडिया वुमेन बायोटेक इंक्यूबेटर एट गोल्डन जुबली वुमेन बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड। ठीक है, PIB में अपनी ये न्यूज़ थी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी एक वुमेन बायोटेक इंक्यूबेटर जो है वो लॉन्च किया है एट गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, जो चेन्नई में है आपका। ठीक है, ये जब अभी IISF चल रहा है ना, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो चल रहा है अभी, उसके चलते हुए ये सारा चल रहा है। तो मेनली मैं आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना चाहता था, ये तो चलो कहीं पे मेंस में फॉर्डर पॉइंट डालना हो कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, तो एक छोटा सा चार शब्दों में ये लिख सकते हो कि भाई हमने एक वुमेन बायोटेक इनक्यूबेटर भी बनाया है जुबली बायोटेक पार्क में वुमेन साइंटिस्ट की डेवलपमेंट के लिए। मेन मुद्दा जो मैं आपके साथ यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहता था वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि इसमें कुछ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कुछ औरतों का नाम लिया है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडियन वुमेन हैव हैड अ मेजर प्रेजेंस ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। तो अभी ये वुमेन्स का नाम थोड़ा सा प्रीवरी में अगर कहीं पर फंस जाए, बिल्कुल ही अगर इंटेंस क्वेश्चन डालना हो UPSC को कि बच्चे को फंसाना है, तो थोड़ा बहुत देख लेना। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ मेडिकल डॉक्टरेट डिग्री वॉज आनंदी बाई जोशी इन 1885। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया ये तुम्हारे लिए। द फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टरेट इन बेसिक साइंस वॉज जानकी अमाल इन 1931। ये दूसरा फैक्ट हो गया। इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू गेट अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज असीमा चटर्जी इन 1944। तो बस मैं आपको मेनली ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता था कि अगर प्री में, क्योंकि पता कुछ नहीं चल रहा है आजकल UPSC का पिछले 2-3 साल से, तो अगर बिल्कुल फंसाना हो तो ऐसे में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 नामें याद कर लेना, और इन नाम को अगर कहीं साइंस एंड टेक में या वुमेन से रिलेटेड कुछ साइंस में आता है तो इसको चेप भी सकते हो वहाँ पे एक दो एग्जांपल लेके कि हमें लीड ले लेनी चाहिए कि 100 साल से औरतें ऐसा काम कर रही हैं, फ्रॉम 100 ईयर्स वुमेन आर इन्वॉल्व इन साइंस एंड टेक, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आनंदी बाई जोशी वी कैन सी दैट, आप ऐसा कुछ भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद GST alters tax exempt status से डिप्लोमैट फ्लैग कंबर्सम प्रोसेस
मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो अब कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं न्यू दिल्ली में, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को थोड़ी सी कंप्लेन की है, जो नया जीएसटी रिजाइम आया है जिन्होंने उनकी जो टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस होता था फॉरेन मिशंस का, उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया, तो उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन किया है। अब डिफरेंस क्या आया है प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी में, वो देख लेते हैं। प्री जीएसटी डिप्लोमेट्स बेस्ड इन इंडिया वर एंटाइटल्ड टू टैक्स एग्जेम्पशन एट द पॉइंट ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या होता था कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था अगर ये कोई गुड्स परचेज करते थे, तो जो ये एम्बेसीज होती थी, ये डिप्लोमेट्स होते थे, इन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। पोस्ट जीएसटी क्या हो गया, द टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस इज ऑल्टर्ड एज नाउ मिशंस हैव टू पे टैक्स फर्स्ट एंड क्लेम इट लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब पोस्ट जीएसटी के चीज़ में फंडा क्या आ गया है कि इनको पहले एक बार तो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर ये कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो उसमें उन्हें इन्हें एक बार तो टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन उनको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिफंड कर देगी। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि ये जो प्रोसेस है, इससे क्या हो गया कि ऑफिस वर्क इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ऑफिस वर्क इंक्रीज हो गया और काफ़ी ज़्यादा ऐसा एक्सपेंडिचर अब हो गया है जो अवॉइडेबल है। अगर ये चीज़ जो प्री जीएसटी एरिया में हम चले जाएं, तो ये एक्सपेंडिचर जो हम काफ़ी ज़्यादा हमारा बढ़ गया है वो अवॉइडेबल है, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा कि जो इंडियन मिशंस हैं, जो इंडियन मिशंस हैं हमारी कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको भी हम टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, उनके साथ भी हम यही चीज़ फंडा यूज़ कर रहे हैं। उनको हम ये नहीं कहते कि पहले टैक्स भरो फिर रिफंड हो जाएगा, हम उनको पूरा टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रेसिप्रोकल सिस्टम फॉलो करना चाहिए जो उनके इंडियन मिशंस इंजॉय कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इन डिप्लोमेट्स ने कंप्लेन किया, जिन कंट्रीज़ के मल्टीपल मिशन्स हैं इंडिया में, मल्टीपल मिशन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी दिल्ली में एक एम्बेसी है, यूएसए की एक एम्बेसी है दिल्ली में, ठीक है। एक कॉन्सुलेट जनरल उसका चंडीगढ़ में है, एक कॉन्सुलेट जनरल उसका केरला में है। एम्बेसी और कॉन्सुलेट में फ़र्क ये होता है, जो एम्बेसी होती है उसको मेनली हेड करता है एम्बेसिडर, ठीक है, और जो कॉन्सुलेट होती है उसको हेड करता है कॉन्सुलर जनरल, ठीक है। एम्बेसी इज़ द सीनियर पार्ट एंड कॉन्सुलेट जनरल इज़ द सबॉर्डिनेट पार्ट ऑफ द एम्बेसी ओनली, ठीक है। तो इन लोगों का भी ये कहना है कि कंट्रीज़ विद मल्टीपल मिशंस वुड हैव टू स्पेंड ट्वाइस वाइल इंपोर्टिंग गुड्स और कमोडिटीज़ अंडर द यूआईएन सिस्टम एज अ कंट्री विद एन एम्बेसी एज वेल एज कॉन्सुलेट वुड हैव टू एक्वायर डिफरेंट यूआईएन नंबर्स फॉर द एम्बेसी एज वेल एज कॉन्सुलेट, ठीक है। तो अब जीएसटी के अंडर क्या हो गया है कि इनको ये बोल दिया कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लेना है, ठीक है। तो अब एक कंट्री के अगर चार मिशंस हैं कंट्री में, ठीक है, फॉर एग्जांपल चार मिशन हैं इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया एम्बेसी है दिल्ली में और एक कॉन्सुलेट जनरल है आपका चंडीगढ़ में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हर मिशन के लिए अपने अलग से यूआईएन नंबर लेना पड़ेगा, जो उनका खर्चा जो है फर्दर बढ़ा देगा, ठीक है ना। अर्लियर अ कंट्री विद अ कॉन्सुलेट इन मुंबई और कोलकाता कुड इम्पोर्ट गुड्स थ्रू अ पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल एंड सेंड इट टू इट्स एम्बेसी इन दिल्ली, बट नाउ टू डिफरेंट ट्रैक्स आर नीडेड टू एज टू सेपरेट यू आई एन नंबर्स विल बी ऑपरेशनल ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस, ठीक है। दो दो यू आई एन नंबर्स जो हैं वो सेम प्रोसेस के टाइम पे चलाने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बूस्टिंग हॉर्टिकल्चर थ्रू रिमोट सेंसिंग नोवल प्रोजेक्ट टू बी रेडी बाय मार्च 2018 सेज मिनिस्टर, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया जो है अपना, ठीक है, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, ठीक है, और बिगेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स सच एज बनाना, मैंगो, पपाया, लेमन अमंग अदर्स, इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आपके जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगर आप वीट देखें, राइस देखें, तो उनकी शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली फिर भी ज़्यादा होती है, लेकिन आपके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो कंट्री मेजर प्रोड्यूसर होते हुए भी हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है हमारी कंट्री का वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी चीज़ के लिए, इस पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को काउंटर करने के लिए 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, चमन। चमन इज़ एन एक्रोनिम फॉर कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो चमन पता होना चाहिए भैया, प्री में सीधा सीधा पूछ लेंगे। अब ये मत सोचना कि ये 2015 का प्रोजेक्ट है तो 2018 के प्री में नहीं आ सकता, 2018 के प्री में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2018 तक इसको ख़त्म करने की बात कर रही है सरकार, तो ये फिर से करंट अफेयर बन गया,
ये मत सोच लेना कि 2015 का प्रोजेक्ट है 2018 के करंट अफेयर में नहीं आएगा। टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव हॉर्टिकल्चरल प्लान यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेनली प्रोजेक्ट का जो टारगेट है वो ये है कि हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उससे सॉइल कंडीशंस को अच्छे से स्टडी करें, लैंड यूज़ को स्टडी करें, वेदर एंड क्रॉपिंग पैटर्न को स्टडी करें, जिससे वेस्टेज जो है वो अवॉइड की जा सके, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर ने कुछ 185 डिस्ट्रिक्ट्स सेलेक्ट किए हैं पूरी कंट्री में, जहाँ पर 7 सिलेक्टेड क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। वंस कंप्लीटेड द फाइंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी शेयर्ड विद ऑल स्टेट्स टू गिव टू बूस्ट टू कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और अपने पास सारी रिपोर्ट आ जाए कि कितनी कामयाबी मिली और कितनी नहीं, फिर उसके हिसाब से हम बाकी की स्टेट्स में भी इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जहाँ पर बनाना ग्रो हो सकता है उसको बनाना रीजन कह दिया, जहाँ मैंगो ग्रो हो सकता है मैंगो रीजन, सिट्रस फ्रूट्स वाले को सिट्रस फ्रूट्स रीजन, पोटैटो टोमेटो अनियन चिली ऐसे ऐसे रीजन डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई महाराष्ट्र तू केला उगा सकता है तो केले वाले रीजन में जा, ठीक है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट तुम हरी मिर्च उगा सकते हो, तुम हरी मिर्ची वाले रीजन में जाओ, ठीक है ना। ऐसे ही अंडर चमन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेजर बनाना ग्रोइंग स्टेट्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना रीजन में डिवाइड कर दिया है। मैंगो कल्टीवेशन इज बीइंग प्रमोटेड इन आंध्र प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश कर्नाटका एंड तेलंगाना, वाइल अनियन इज द फोकस फॉर महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये अपना हो गया चमन प्रोजेक्ट के बारे में। 2018 तक कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, 2015 में चालू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, NIIF गेट्स फर्स्ट इन्वेस्टर, अबू धाबी ब्रिंग्स इन $1 बिलियन, ठीक है। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अबू धाबी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन मंडे बिकेम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स मास्टर फंड, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है सरकार ने शुरू किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बूस्ट कर सके सरकार, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सके और ग्रोथ को स्टिम्युलेट कर सके। बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, पुल्स बनाएंगे, देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करके कैपिटल जो है देश की वो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट है NIIF, इसको सरकार ने 2015-16 में लॉन्च किया था। इसकी डिटेल्स में जाने के लिए मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं। अगर आपको NIIF की डिटेल्स नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि NIIF की डिटेल्स देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, फिर मैं NIIF कवर करूँगा, ठीक है। पर्सुइंग टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसी का असर है कि ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने की बात की है, ठीक है। एग्रीमेंट का फायदा क्या होगा, वे फॉर क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियली वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो NIIF जो है उसका टारगेट ही ये है कि हम जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने इकोनॉमिकली वाइबल और कमर्शियली वाइबल, जो जॉब इंप्लॉयमेंट बढ़ाए, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में बढ़ाए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करे, ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जो है वो NIIF का टारगेट है। उसके बाद GS-3 के लिए छोटी सी न्यूज़ थी, Planet 9 डज एग्जिस्ट इन सोलर सिस्टम। नासा ने अभी बोला है कि एक एलुसिव Planet 9 डज एग्जिस्ट एंड मे मेजर 10 times द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, 10 times भारी हो सकता है अर्थ के मास से। द साइंस सो फार आर इनडायरेक्ट मेनली इट्स ग्रेविटेशनल फुटप्रिंट्स, बट दैट एड्स अप टू अ कंपेलिंग केस। द प्लैनेट इज लाइकली टू बी एटलीस्ट 20 times फर्दर द सन देन द नेपट्यून, साइंटिस्ट नोटेड, ठीक है। तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं आई है और बिना बात के अब इसको गूगल करने मत बैठना, जितना जानना था उतना यहाँ पे कवर्ड है, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेंस में इस ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कुछ आते नहीं है, तुमसे नहीं पूछेंगे कि Planet 9 के बारे में लिखो। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यहाँ पर कवर्ड है उतना सफिशियंट है, ठीक है ना। GS-2 देख लेते हैं, प्ली टू इंश्योर और ऑफ फॉर रिटायर्ड जजेस, ठीक है। तो 1 rank 1 pension अब रिटायर्ड जजेस के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो फॉर्मर मद्रास हाई कोर्ट हैं जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक प्ली डाली है। उनका कहना है कि 1 rank 1 pension जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सब जजेस के लिए, ठीक है, फॉर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस के लिए भी वो जो है इम्प्लीमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। अभी हाई कोर्ट के जजेस में क्या होता है, आप हाई कोर्ट के जजेस की 2 तरह से सिलेक्शन होती है। एक तो जो लोअर जुडिशरी से प्रमोट होकर हाई कोर्ट जजेस बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है, वैसे जो प्रमोट होकर बनते हैं। दूसरे जो हाई कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं या बार, जो लॉयर्स का बार होता है, उसमें से जो एमिनेंट लॉयर्स होते हैं उनको जजेस बना दिया जाता है। तो ये 2 टाइप से हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं।
तो इन जो पिटीशन डालने वाले साहब हैं, जो मद्रास हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, इनका कहना है कि इन दो कैटेगरी ऑफ जजेस, जो हाई कोर्ट के दो कैटेगरी ऑफ जजेस हैं, जो प्रमोट हो गए हैं लोअर जुडिशरी से और जो बार से सिलेक्ट होकर आए हैं, उनकी जो पेंशन है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, जो लोअर जुडिशरी से प्रमोट होकर आए हैं उनको दी जाती है हायर पेंशन, और जो बार से प्रमोट होकर आए हैं उनको दी जाती है लोअर पेंशन। तो इनका ये कहना है कि जब जजेस, जो वर्किंग जजेस होते हैं, जो वर्किंग हाई कोर्ट जजेस होते हैं, चाहे वो बार से हो चाहे वो लोअर जुडिशरी से प्रमोट होकर आए हों, उनकी सैलरी, उनके पर्क्स, उनकी पावर सब कुछ सेम होती है। तो ये पेंशन की बारी जब आती है तब डिस्क्रिमिनेशन क्यों, तब जो बार के जजेस हैं उनको क्यों कम पेंशन दी जाती है? ठीक है ना। तो जो ये जस्टिस एम विजय राघवन है जिन्होंने ये प्ली डाली हैज सॉट अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू द सेंटर टू इवॉल्व अ फॉर्मूला, कि कुछ फॉर्मूला निकालो इसका, इन ट्यून विद वन रैंक वन पेंशन नॉर्म्स लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2014 जजमेंट इन रामाकृष्ण राजूज केस। ठीक है, तो रामाकृष्ण राजू केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोल दिया था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए सेम जो है वो पेंशन मिलेगी, अलग अलग पेंशन नहीं मिलेगी। उससे पहले क्या होता था कि कोई हाई कोर्ट का जज पहले रिटायर हो गया और उस टाइम पे पेंशन कम थी, और कोई हाई कोर्ट का जज 2015 में रिटायर हुआ, इस टाइम पे पेंशन ज़्यादा थी, तो जो 2000 में हुआ फॉर एग्जांपल, कोई 2000 में हुआ तो उसको पेंशन कम ही मिलती थी कंटिन्यूअसली, उसकी पेंशन रिवाइज नहीं कर जाती थी, और कोई 2015 में रिवाइज हुआ तो उस 2015 में रिटायर हुआ, उसकी पेंशन क्या अब तक 10 टाइम्स ज़्यादा हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो था सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपनी जजमेंट से कम कर दी थी। पिटीशन और क्या कोर्ट करती है, पिटीशन कोर्ट्स When person holding constitutional office retires from service, making discrimination in the fixation of the pension depending upon the source from which they were appointed is in breach of Article 14. ठीक है कि right to equality हमारा violate हो रहा है, कि भाई हम हाई कोर्ट के जज हम भी थे, हमारे पास भी सेम पावर्स थे, हमारे पास भी सेम पर्क्स थे, तो पेंशन हमें अलग क्यों? एंड 16(1) जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन रैंक वन पेंशन मस्ट बी द नॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कि अगर कोई संविधानिक ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो उसमें वन रैंक का और वन पेंशन का जो फॉर्मूला है वो फॉलो करना बहुत अनिवार्य जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस सी टू हेयर प्ली फॉर स्टडी ऑन सेफ्टी ऑफ मुला पेरियार डैम। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक पिटीशन आई है, वो पिटीशन का ये कहना है कि जो ये मुला पेरियार डैम है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और अब काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे है जो आसपास की पॉपुलेशन है, कि अगर ये डैम टूट गया तो जो आसपास की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ जो है रिस्क पे है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड टू हेयर अ पिटीशन टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंटरनेशनल एजेंसी टू स्टडी द लॉन्गेविटी ऑफ मुला पेरियार डैम बिल्ट इन 1895 बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो ये पिटीशन है, पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप एक बॉडी, इंटरनेशनल एजेंसी अपॉइंट कीजिए जो देख सके कि क्या अब ये डैम फिट है, क्या ये डैम सही है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, हम देखते हैं इस बारे में कि हमें कोई कमेटी अपॉइंट करनी है या नहीं करनी है। तो पिटिशनर का कहना है कि कुछ 3 मिलियन पीपल हु लिव इन द डाउनस्ट्रीम एरिया ऑफ द डैम एंड इन डायरेक्ट लाइन ऑफ अ कैटेस्ट्रॉफ दैट मे अराइज फ्रॉम ब्रीच इन द डैम। ठीक है, कुछ 3 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पे और अगर डैम टूट गया तो इनकी ज़िंदगी तो राम भरोसे हो जाएगी। द इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स ऑफ द डैम एनविसेज द लाइफ लाइन ऑफ द डैम फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो इंजीनियर्स थे और जो बिल्डर्स थे जिन्होंने ये डैम बनाया, उन्होंने एनविसेज किया था कि इस डैम की लाइफ 50 साल होगी, लेकिन ये डैम अभी अपने 121वें साल में है। ठीक है, तो 3 गुना अपना लाइफ जी चुका है ये डैम, तो क्या अब इसको ज़रूरत नहीं है कि हम चेक करें कि क्या ये डैम अब सुरक्षित है? द पिटिशन क्लेम दैट इन केस ऑफ अ डिजास्टर द वाटर विल रश लाइक अ बुलेट ड्यू टू द स्टीप हिली जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस टू रीच द अरेबियन सी 100 किलोमीटर्स अवे। काफ़ी स्पीड से पानी जाएगा क्योंकि स्टीपनेस बहुत है उस एरिया में, इन लेस देन 1 आवर थ्रू द थिकी पॉपुलेटेड एरियाज डाउन स्ट्रीम। कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर ये पानी जो होगा इस डैम से निकल कर अरेबियन सी की तरफ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिवास्टेशन जो है ये कॉज कर सकता है। द पिटिशन इवन वॉन्ट्स द सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर द ऑप्शन ऑफ डीकमिशनिंग द मुला पेरियार डैम। पिटिशन ने ये भी कहा कि अगर आप जो रिपोर्ट देखते हैं अगर उसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो आप इस मुला पेरियार डैम को जो है डीकमिशन कर दीजिए, और इसकी वजह से कोई ड्रॉट प्रोन एरिया जो है तमिलनाडु का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक नया डैम बना रही है सरकार अक्रॉस द पेरियार इन डाउनस्ट्रीम रीजन विच वुड कंटिन्यू टू कार्टर एंड टेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों को पानी प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन आप मुला पेरियार डैम को डीकमिशन कर दीजिए क्योंकि ये जो है लोगों की लाइफ के लिए काफी ज्यादा जो है डेंजरस है। आज दोस्तों इतना ही था, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।
ठीक है ना। और जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना उसको, उससे क्या होगा आपको जो रेगुलरली जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रीलिम्स क्विज की प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, हम खुद को टेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलता रहता है कि हमारी तैयारी जो है वो किस स्टेज पर है प्रिपरेशन की। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।